तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर बेसिकली इसमें देखोगे तो ये एक प्रोजेक्टाइल का, आधा प्रोजेक्टाइल का सवाल है, आधा दोनों स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक पार्टिकल प्रोजेक्टर विथ स्पीड भी मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री पे ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, कैपिटल वी से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिए और ये पॉइंट ओ था, यहाँ समय था 0, तो ये पार्टिकल ऑब्वियसली ऐसे कुछ पैराबोलिक पाथ पे ऐसे जाता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ ए पॉइंट से, जो पॉइंट ए है, यहाँ से एक पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड स्मॉल वी वेलोसिटी से फेंक दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी सो दैट टू पार्टिकल कोलाइड एट सम पॉइंट। ठीक है, आप इसको कहीं से भी फेंक सकते, ए से फेंक सकते थे, बी से फेंक सकते थे, सी से फेंक सकते थे, कहीं भी कहीं से भेज सकते थे। ठीक है ना, जैसे कहीं पे जाके वो कोलिजन करते, ठीक है ना, तो कोलिजन का कंडीशन क्या होगा, आप कहीं भी कोलिजन करा सकते हो। ठीक है, तो ये बाई इंसिडेंट ये करा कि टू पार्टिकल रीच हाईएस्ट पॉइंट, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट कैपिटल एच पे दोनों पार्टिकल पहुंच जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ये वर्टिकल हाइट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो ऐसा क्या है जब कोलिजन होगा ऐसे सवाल में, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। देखो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तभी सेम हो सकता है जब इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो, नहीं समझे। देखो, अब मैं वर्टिकल में यहाँ से जाके कोलिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई कॉम्पोनेंट ऑफ जो ओ फर्स्ट पार्टिकल जो ओ से फेंका गया था, और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पार्टिकल मस्ट बी सेम। जब कोलिजन होगा दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा और एक्स भी सेम हो जाएगा। तो हमें, अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे डी वाई ओवर डी टी, तो वाई ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और डी वाई बाई डी टी मतलब वाई ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, फर्स्ट पार्टिकल की जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है और सेकेंड पार्टिकल की जो वाई वाली एक्सिस वेलोसिटी, वो सेम होना चाहिए, तभी जाके कहीं पे कोलिजन होगा। देखो, अगर 1 सेकेंड में यहाँ आया तो 1 सेकेंड में इसको भी तो यहाँ आना पड़ेगा, तभी तो जाके कोलिजन होगा। अगले मोमेंट अगर 2 सेकेंड में यहाँ आया तो ये इसको भी तो यहाँ आना पड़ेगा, अगले मोमेंट अगर यहाँ है और ये यहाँ है, मतलब अगले मोमेंट यहाँ है तो ये यहाँ है, अगले मोमेंट यहाँ है तो ये यहाँ पर कोलिजन। देखो, अगर इसका वाई कॉम्पोनेंट सेम नहीं है तो अगर यार ये आगे निकल जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, तो कोलिजन कैसे होगा, समझ रहे। तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी, वाई वाली वेलोसिटी, इन दोनों का सेम होना चाहिए, कैपिटल वी वाई और स्मॉल वी वाई दोनों का सेम होगा, तब जाके कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब कैपिटल, इसी लॉजिक से सवाल हो जाएगा, दोनों का कैपिटल वाली वेलोसिटी इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, तो यहाँ से कैपिटल वी का वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा, कैपिटल वी cos 30, और यहाँ से इसका हॉरिजेंटल वाला आ जाएगा कैपिटल वी यहाँ से sin 30, और यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से ये वाली चीज़, तो यहाँ से जो वाई वाली वेलोसिटी, इसका इसका वाई वाली तो वी ही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस लॉजिक से कैपिटल वी cos 30 बराबर होना चाहिए स्मॉल वी के, तभी जाके कोलिजन होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो कैपिटल वी cos 30 sin 60 √3/2 और ये स्मॉल वी, तो यहाँ से कैपिटल वी डिवाइडेड बाई स्मॉल वी की वैल्यू 2/√3 के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर तुम देखोगे यहाँ से 2/√3, 2/√3, तो मतलब सी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। ठीक ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।